चैप्टर नंबर सेवन्थ इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। इक्वालिटी दैट मीन्स की समानता, और जस्टिस दैट मीन्स न्याय, मतलब समानता और न्याय के बारे में आज हम इस चैप्टर में एक स्टोरी पढ़ेंगे। डियर लर्नर्स, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल, देयर फॉर एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड प्रोवाइडेड अ फेयर एंड इक्वल चांस टू सक्सीड इन लाइफ। अ सोसाइटी वेयर एवरी वन गेट्स लव एंड रेस्पेक्ट एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इज कंसिडर्ड टू बी अ जस्ट वन। विद इक्वालिटी एंड जस्टिस वी कैन ट्रांसफॉर्म आर सोसाइटी एंड मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर एवरी वन। सो नाउ आज हम इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर एक स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नेम है अबाउट टीकू एंड परी। यहाँ पर जो स्टोरी है वो एक टीकू और परी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। टीकू वॉज अ लार्ज पर्पल विंगलेस बर्ड हु ऑलवेज रिमेंड सैड। टीकू एक बहुत बड़ा पर्पल कलर का बिना पंख वाला एक पक्षी था जो हमेशा उदास रहता था। द विलेजर्स वॉन्टेड हिम टू लीव द विलेज बिकॉज दे थॉट ही वॉज अ जैंट अगली एंड स्केरी बीस्ट। जो वहाँ के गांव वाले थे वो सभी चाहते थे कि वो उस गांव से उसको छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो कैसा था, उनके अकॉर्डिंग वो एक जैंट और अगली और स्केरी बीस्ट था, मतलब कि डरावना जानवर था। ग्रेजुअली टीकू ऑल्सो स्टार्टेड टू बिलीव दैट ही वॉज अगली। धीरे धीरे टीकू भी बिलीव करने लगा कि वो अगली है। इट मेड हिम सैड एंड अपसेट, और वो खुद को दुखी और परेशान रखने लगा। वन मॉर्निंग टीकू हियर्ड अ चाइल्ड क्राई। एक दिन सुबह टीकू ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। ही लुक अराउंड टू चेक एंड फाउंड अ लिटिल गर्ल सिटिंग एंड क्राइंग अंडर अ ट्री। उसने अपने चारों तरफ चेक किया और पाया कि एक छोटी बच्ची जो कि पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। द गर्ल गॉट फ्राइटेंड ऑन सीइंग टीकू। टीकू को देखकर लड़की घबरा गई। शी गॉट अप एट वंस एंड स्टेप बैक टू हाइड बिहाइंड द ट्री। वह एक बार में उठी और पेड़ के पीछे छिपने के लिए पीछे हट गई। डोंट गेट स्केयर्ड, आई एम हियर टू हेल्प यू, सेड टीकू। डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, टीकू ने कहा। द गर्ल वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन उस लड़की को यकीन नहीं हुआ। शी पीप्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड लुक्ड एट टीकू अपीयरेंसली, और वो पेड़ के पीछे से टीकू को आशंका से देखने लगी। व्हाट इज़ योर नेम, आस्क टीकू। टीकू ने उससे उसका नाम पूछा। परी, रिप्लाइड द गर्ल इन अ वेरी लो एंड नर्वस वॉइस। उस लड़की ने धीरे से और घबराते हुए आवाज़ में अपना नाम परी बताया। व्हाई आर यू क्राइंग, टीकू आस्क अगेन। टीकू ने उससे दोबारा से पूछा, तुम क्यों रो रही हो। Still peeping from behind the tree, परी replied. और परी ने पेड़ के पीछे से झांकते हुए उसे रिप्लाई किया। My father has scolded me. मेरे पिता ने मुझे डांटा है। Oh, what happened? asked टीकू. तभी टीकू ने कहा, तो क्या हुआ? The concern in his voice seemed to finally touch Pari and she stepped out from behind the tree. और आखिर में परी उसे छूने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर आई। I snagged out of the house without telling my mother as I wanted to play with my friend Leela. मैं अपनी माँ को बिना बताए घर से चुपके से निकल आई, क्योंकि मैं अपनी दोस्त लीला के साथ खेलना चाहती थी। परी ने रिप्लाई किया। टीकू वॉज लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, और टीकू उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। हिज अटेंशन इनकरेज्ड परी टू कंटिन्यू विद हर स्टोरी, और उसकी अटेंशन ने परी को इनकरेज्ड किया ताकि वो अपनी स्टोरी लगातार उसे सुनाती रहे। बट ऑन द वे टू लीला हाउस आई मेट आंट रीमा, और फिर उसने अपनी स्टोरी आगे की बात उसे बताई कि जब मैं अपने घर से निकल रही थी तब रास्ते में मुझे लीला आंटी मिली।
who had lost her kitten, जिन्होंने अपनी बिल्ली का बच्चा खो दिया था. I offered to help her, और मैंने उन्हें offer किया कि मैं उनकी मदद करूं. We looked for the kitten, first in the neighborhood and then in the forest. हमने उसे उस बिल्ली के बच्चे को चारों तरफ देखा. पहले हमने उसे अपने पड़ोस में देखा और फिर हम उसे ढूंढने जंगल में चले गए. But we could not find her anywhere. By then, it was very late. लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था. So I decided to head back home. तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना चाहिए. My parents by now were very worried. मेरे पेरेंट्स अब तक बहुत चिंतित थे. I was missing from home for a long time. मैं लंबे समय से घर से गायब थी. They were also unhappy that I went out without informing them. वे नाखुश थे कि मैं उन्हें बताए बिना बाहर चली गई. So as soon as I reached home, my father started scolding me. और जैसे ही घर पहुंची मैं, तो मेरे पिता ने मुझे डांटना शुरू कर दिया. He did not even hear me out. उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी. Replied परी. परी ने कहा, sobbing, don't be sad. Your father loves you for sure. He was just worried for you. तुम दुखी मत हो. तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो थोड़ा तुम्हारे लिए चिंतित हो गए. I am sure everything will be all right soon. मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ बहुत जल्द सही हो जाएगा, said टीकू. टीकू ने कहा, trying to console परी. But परी was still sobbing. परी को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था वो, और तब भी परी क्या हुई, सिसकती रही, वो रोती रही. So टीकू asked, do you want to see what I can do with my tail? तब टीकू ने उससे पूछा कि क्या तुम देखना चाहोगी कि मैं अपनी टेल से क्या करता हूँ. He then wiggled his tail up and down, side to side, and परी laughed. फिर उसने अपनी पूंछ को ऊपर नीचे इधर उधर उल्टाया और तब परी उस पर हंसने लगी. I like what you do with your tail. मुझे बहुत पसंद आया जो तुमने अपनी पूंछ से किया. I can show you something else too. तब उसने फिर से कहा कि मैं तुम्हें कुछ और भी दिखा सकता हूँ, said टीकू. टीकू ने कहा. He then dived into the river. तब उसने नदी में डुबकी लगाई. Held out his head and then dived back into the water again. और अपनी सिर को बाहर निकाला और फिर से उसने पानी के अंदर डुबकी लगा ली. He repeated this quite a few times. वो कुछ समय तक ये बार बार दोहराता रहा. परी enjoy it thoroughly. और परी इस सब को enjoy करने लगी. टीकू jumped out of the water. अब टीकू पानी से बाहर आ गया. Plucked some fruits from a tree and gave them to परी. और उसने पेड़ से कुछ फलों को तोड़ा और परी को दे दिए. She was thrilled and exclaimed happily, being a giant has so many advantages. वह रोमांचित और उत्साहित था. विशाल होने से इतने सारे फायदे होते हैं. I wish I could do things that you can. काश मैं ऐसी चीजें कर पाती जो आप कर सकते हो. However, Tiku did not seem happy to hear that. लेकिन Tiku ये सब सुनकर खुश नहीं हुआ. He replied, उसने reply किया, not everyone thinks so. परी, कि सभी ये नहीं सोचते हैं परी. Some people think I am ugly and useless. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगली और यूजलेस हूँ. It makes me very sad. इस वजह से मैं दुखी रहता हूँ. Anyways, let it go. वैसे भी जाने दो. Come, I will take you home now. चलो मैं तुम्हें अब घर ले जाता हूँ. On the way back to Pari home, they met the villagers. और जब रास्ते में परी घर जाने लगी तो रास्ते में उसे villagers मिले, मतलब कि गांव वाले मिले. Why have you come back again? टीकू, टीकू तुम दोबारा से क्यों आ गए हो? You are an ugly giant. तुम एक ugly giant हो. You cannot stay here. तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, said the villagers. गांव वालों ने टीकू से कहा. No, cried परी. तब परी ने चिल्लाते हुए मना कर दिया. नहीं. Today he made me laugh.
आज इन्होंने मुझे बहुत हंसाया है. ही प्ले विद मी, ये मेरे साथ खेला है. शोर्ड हिज लव ऑन मी एंड प्रोटेक्ट मी, मुझ पर अपना प्यार बरसाया और मेरी रक्षा की. आई विल नॉट लेट हिम गो एनीवेयर, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी. ऑल द विलेजर्स शाउटेड, सभी विलेजर्स चिल्लाने लगे. एंड आस्क परी टू मूव अवे फ्रॉम टीकू, और परी से वहाँ से जाने को कहा. फॉर हर ऑन सेफ्टी, उसकी सेफ्टी के लिए. बट शी डिड नॉट पे हीड टू एनी ऑफ देयर वार्निंग, लेकिन परी ने किसी की भी वार्निंग चेतावनी को नहीं सुना. शी कंटिन्यू सपोर्टिंग टीकू अगेंस्ट देयर एब्यूज एंड इल ट्रीटमेंट, वो लगातार उसको टीकू को सपोर्ट करती रही गांव वालों के विरुद्ध. द विलेजर्स फाइनली गेव अप एंड अलाउ टीकू टू स्टे बैक, और लास्ट में अंत में विलेजर्स ने गिव अप कर लिया और टीकू को गांव में रहने के लिए अलाउ कर दिया. परी फादर से हाउ परी फॉट फॉर टीकू एंड स्टूड अप फॉर व्हाट इज राइट, परी के पिता देख रहे थे कि परी किस तरीके से टीकू के लिए लड़ी और किस तरीके से वो सच के लिए खड़ी रही. ही केम फॉरवर्ड एंड पिक्ड हर अप इन हिज आर्म, और वो जल्दी से वहाँ आए और उन्होंने उसे अपनी आर्म में ले लिया. दैट मीन्स कि उन्होंने उसे गले लगा लिया. शी स्माइल्ड एट हर एंड सैड, वो उसकी तरफ मुस्कराए और कहने लगे, यू हैव मेड अस प्राउड टूडे By standing up for the bird who helped you, आज तुमने मुझे गर्व पहुँचाया है क्योंकि तुम उस पक्षी के लिए खड़ी रही जिसने तुम्हारी हेल्प की थी. परी वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी दैट हर फादर, परी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी हुई अपने पिता को देख कर, जो कि वॉज नो लॉन्गर एंग्री विद हर, जो कि उससे नाराज नहीं थे. टीकू फाइनली स्टेड बैक इन द विलेज, अंत में टीकू वापस गांव आ गया. नेवर अगेन डिड एनीवन कॉल हिम अगली और आस्क हिम टू लीव, अब उसे कोई भी अगली नहीं कहेगा और वहां से जाने के लिए नहीं कहेगा. परी विजिटेड हिम एवरी डे, परी रोजाना उससे मिलने आने लगी. एंड शी ऑल्सो इंट्रोड्यूस हर फ्रेंड टू हिम, और उसने अपने दोस्तों से भी उसे इंट्रोड्यूस करवाया. टीकू शोड दैम हिज ट्रिक्स, प्लेड विद दैम एंड प्लग्ड फ्रूट्स फॉर दैम फ्रॉम द टॉल ट्रीज, अब टीकू उन सभी को अपनी ट्रिक्स दिखाने लगा और उनके साथ खेलने लगा, साथ ही साथ बड़े बड़े पेड़ों से उन्हें फ्रूट्स तोड़कर भी देने लगा. ऑल द किड्स लव हिम डियरली, और अब सभी बच्चे उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे. द विलेजर्स सा हाउ टीकू केयर्ड फॉर द किड्स एंड ग्रेजुअली दे टू स्टार्टेड लिकिंग हिम, अब गांव वाले देखने लगे कि टीकू किस तरीके से उनके बच्चों की केयर करता है, और धीरे धीरे वो सभी उसको लाइक करने लगे. दोस फॉर द अगली जेंट टीकू सून बिकम अ लवेबल फ्रेंड टू द विलेजर्स, दोस्त जो पहले टीकू अगली जेंट होता था वो अब सभी गांव वालों का एक लवेबल फ्रेंड बन गया था, एक प्यारा दोस्त बन गया था. मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको यहाँ पर बताया गया है, बी जस्ट एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली इररेस्पेक्टिव और देयर कलर साइज एंड फिजिकल अपीयरेंस, हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी स्टोरी. इस स्टोरी को आप सभी अपनी बुक में से रीड करेंगे.